दोस्तों, राजीव जोशी ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ शिमला के न्यू बस स्टैंड में। जय चाहे मौसम बहुत ही ठंडा है, स्नोफॉल के आसार पड़ रहे हैं। अब जब भी आओ तो शर्मा गिफ्ट बुक सेंटर, यहाँ पे चाय पियो भाई, बहुत ही टेस्टी चाय है, बहुत ही बढ़िया चाय है। जय भाई बनाते हैं बहुत ही बढ़िया वाली चाय, प्योर चाय है। मैं तो फीकी पी रहा हूँ। वाह भाई, दूध में चाय बनाते हैं जय भाई साहब। ये आप लोग देख सकते हैं, शिमला का न्यू बस स्टैंड है, ISBT जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ूंगा। यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी है भाई, तो यहाँ से मैं बस पकड़ूंगा जो हरियाणा शक्ति है, कुरुक्षेत्र वाली। देखूंगा जदि ये लगी हो चंडीगढ़ के लिए। एक वो शान पेप्सू भी लगी है पंजाब वाली बस, पंजाब रोडवेज की, तो मैं यदि लगता है तो पकड़ लूँगा। तो ये सारे बस रूट लिखे गए हैं दोस्तों, काजा रामपुर रोडू शिमला के, मंडी शिमला कलोंग एरा वगैरह जहाँ पे भी जाना है। अब यहाँ तो मंकी भी है भाई, अरे बेचारे इन जीवों का कौन रखने वाला है भाई, ये तो लंगूर है। वो बैठ गया, देखो मंकी एक, क्या करे यार, बेजवान जानवर है, इनको भी भूख लगती है, क्या कर सकते हैं बेचारे। इतना रिस्की मतलब तारों में बैठा है यार, इसको बेचारे को नहीं पता पत्नी कितने वाट का करंट है इसमें, क्या है। देखो यहाँ से होके गया, ये ट्रांसमीटर लगा है, यहाँ से इसने हेल्प लेके छलांग लगाई, ऊपर कूद गया बेचारा, क्या करे यार। ये भी बैठा है, देख रहा है कोई ना कोई मुझे कुछ डाल लेगा, तो इसको मैं डाल लूँगा भाई बिस्किट भाई, 10 वाला बिस्किट देना। फिफ्टी देना भैया, 50-50 आ गया। फीका 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 तो मैं भी बिस्किट लूंगा और बिस्किट डालूंगा, जो हो सके कम से कम वो तो डाल दो यार, कुछ ना कुछ तो इसकी। चलो बेचारे चलेगा चलेगा, दौड़ेगा भाई, दो पैकेट दे दो इस बेचारे को, डालूंगा। बैठी है ये, कितनी क्यूट सी लग रही है, ये बिस्किट है दोस्तों, मैं इसको डालूंगा ये बेचारी को, डालना भैया खोल के यार इसको। डाल दे नीचे, डाल दे, खा नहीं रही है बिस्किट, पता नहीं क्यों इधर उधर देख रही है, खा ले, ये पता नहीं क्या अनुभूति है। ऊपर मंकी बैठा है, जे खा लेगा कुछ ना कुछ, नीचे कुछ फेंक रहा है, इसको मैंने डाल ली, तो आप देखो खाती है कि नहीं खाती है। ओ आ गया मंकी, आ गया, खा ले खा ले, नहीं तो ये खा लेगा, खा ले भाई। ये तो बैठ गया भाई ऊपर जाके, अब क्या करूँ, इसको भी डाल दूँ। ये दुकान वाले ये ना बोलेंगे भाई बिस्किट लगे इसको डाल दिए, यहाँ से मत करो, जब चलो नेकी कर, दरिया में डाल, कोई बोल भी देंगे तो क्या होगा, किसी की भूख तो मिट जाएगी, थोड़ी बहुत कुछ तो मिटा ही सकेंगे। ले भाई भाई इसको ना ये पैकेट डाल दे, ले पकड़ता है अंदर भरता है ना भाई, इस पे डाल दे डाल डाल दे, क्या कर रहा है यार, ऐसे डाल दो, ऐसे रख दो फिर नीचे, इधर आगे ऐसे रखना, आगे उस साइड, इस साइड रख दो, खोल के मत रखना था, नहीं तो ये नहीं तो डॉग ही नहीं खाने देगा इसको। चल चलो ठीक है चलो कोई नहीं, चढ़ गया ऊपर, खा ले खा ले।
दोस्तों इसको पैकेट डालना है ना, तो ये पैकेट कागज उठा के ना इसको डस्टबिन में डालना है। ठीक है भाई, खा ले। और भी डालता है पर ये खा ले तो और भी डाल दूंगा। रिस्क पे चढ़ गया ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ भगवान से, ऐसे जीवों को प्रभु थोड़ी सी बुद्धि दे देना, कुछ ऐसा कर देना कि ऐसे तारों के बीच में मत मतलब चढ़े उतरे। इन बेचारों को क्या पता कि इनमें बहुत ज़्यादा ग्रंट वगैरह है। तो यार ये भी सोल है, इनमें भी वही आत्मा जो हमारे में, शरीर ही है इनका बंदरों का। इसका शरीर भी तो एक जानवर का है, कुत्ते का, पर आत्मा वही है जो मेरे में जो आप में है यार। मतलब सोचो कि ये एक तरह से मतलब इंसान, सोचो कि इंसान भूखा खड़ा है, भूखा है इंसान,